आज हम आपको महाभारत काल के 5 ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महाभारत का युद्ध बहुत से कारणों से हुआ था, जिसमें से सबसे बड़ा कारण भूमि यानी कि राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों की कश्मकश के बाद भी जब कोई भी हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण पांडवों को मात्र 5 गाँव देने का प्रस्ताव रखते हैं। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र यदि केवल 5 गाँव देने से ये युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इसीलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। तब धृतराष्ट्र गुस्से में बोला कि पिताश्री, मैं तिनके भर की भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से थे वो 5 गांव और आज उनकी क्या हालत है, वो देश के किस राज्य में हैं और कितने बड़े हैं। वैसे कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ का क्षेत्र उस काल में हस्तिनापुर कहलाता था। कुरु वंश के राजा हस्ती ने ये शहर बसाया था। ये स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। कहते हैं कि एक जल प्रलय के कारण जब इंद्रप्रस्थ डूब गया था तब राजा हस्ती ने ये नई राजधानी बसाई थी। इसी में सबसे पहला गांव है श्रीपद यानी कि इंद्रप्रस्थ। महाभारत में कहीं श्रीपद तो कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल से जुड़े हुए अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। वहीं दिल्ली में स्थित सारवाल गांव से 1388 साल पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि सीही हरियाणा का एक गांव है जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था, जहां पर जन्मजय ने प्रसिद्ध नाद यज्ञ करवाया था। अब ये आदर्श गांव है। फिर आता है बागपत। इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ भी कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते हैं। यही जगह मुगल काल में बागपत के नाम से जाने जाने लगी थी। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत ही वो जगह है जहाँ कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश भी करी थी। बागपत जिले की आबादी 50,000 से भी अधिक है। अब बात करते हैं अगले गाँव की, जो की कोई और नहीं बल्कि सोनीपत है। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ भी कहा जाता था, बाद में ये सोनीप्रस्थ होकर सोनीपत गया। स्वर्णप्रस्थ का मतलब होता है कि सोने का शहर। वर्तमान में ये हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना, गंगोत्री, मुंडलाना, घरगोदा और राई है। अगला है पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की लड़ाई भी हुई थी। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। इसे सिटी ऑफ वेवर्स यानी कि बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला है तिलपत। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वो 5 गांव जो आज भी मौजूद है। क्या आप भी इनमें से किसी एक गांव में रहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बता दीजिए सारी दुनिया को कि ये सारी जगह आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, क्योंकि कुछ लोगों को तो लगता है कि महाभारत हुई ही नहीं थी। अगर महाभारत सच में नहीं हुई थी और वो एक सिर्फ एक कहानी ही थी तो कह दीजिए कि ये सारी जगह भी झूठ है और जो हमने आज आपको इस वीडियो में बताया वो सब कुछ झूठ है। दरअसल दोस्तों, महाभारत पर आधारित कितने ही झूठे किस्से कहानियां हैं जो समय के साथ फैलते ही गए और उनका मूल महाभारत में कोई भी वर्णन नहीं था, जिनको पहले कुछ लेखकों ने और फिर कई टीवी सीरियल्स ने आगे बढ़ा दिया। क्योंकि ये सीरियल घर घर देखे जाते थे तो वो कहानियां भी कई लोगों को सत्य लगनी शुरू हो गयी। और जब लोगों को ये बात पता चलती है कि ये कहानियाँ झूठी है तो लोग सोचते हैं कि पूरी महाभारत ही झूठी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कुछ झूठे किस्से कहानियों को अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा हमारी महाभारत एक महान काव्य ग्रंथ है जो कि बिल्कुल सत्य है। तो चलिए, आज हम आपको आगे की इस वीडियो में बता दें कुछ सबसे बड़े झूठ जिनका मूल महाभारत से कोई लेना देना ही नहीं है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान। हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में से ही अर्जित कर लिया था। इस बात का वर्णन किसी भी अनुवादित संस्करण में नहीं है। और इस बात की पुष्टि अभिमन्यु ने खुद की थी। उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह के भीतर घुसने का ज्ञान तो ले लिया था, परंतु अर्जुन उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं दे सके क्योंकि अर्जुन के पास उस समय अभिमन्यु को बाकी का ज्ञान देने का पर्याप्त समय नहीं था। और इसी बात की पुष्टि स्वयं अर्जुन ने भी की थी कि उन्होंने अभिमन्यु को केवल उसे भेदने का ज्ञान दिया था। इन दोनों बातों का वर्णन द्रोण पर्व अध्याय 82 अथवा अध्याय 33 में किया गया है। अगला है गांधारी द्वारा अपने पुत्र का शरीर वज्र का बना देना। एक लोक कथा ये भी कहती है कि गांधारी ने कोई दृष्टि डालकर अपने पुत्र का शरीर वज्र का बना दिया था, पर श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन के निचले भाग को ढकने के लिए उसे विवश कर दिया और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। KMG गीता प्रेस या बोरी द्वारा अनुवादित किसी भी संस्करण में इस बात का उल्लेख नहीं है। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने के लिए झोंक दी थी। उन्होंने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार 13 वर्षों तक अभ्यास किया था और इसी उनके ऊपर का भाग कठोर हो गया था, इसीलिए कहते हैं कि उनका ऊपर का भाग पत्थर का हो गया था। सहदेव द्वारा अपने ही पिता का मस्तक का खाया जाना। दोस्तों, ऐसी बेतुकी बात का वर्णन महाभारत में कहीं भी नहीं है। ये कहानी देव पटनायक की किताब जया में मिलती है, जिनके अनुसार पांडु ने वन में रहते हुए बड़ी तपस्या की थी, जिससे उन्हें बहुत ज्ञान अर्जित हो गया था और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को खा लेना, उससे तुम्हें मेरा समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। परंतु मूल महाभारत के अनुसार जब पांडवों की मृत्यु हुई थी उस समय नकुल सहदेव की आयु बहुत ही छोटी थी। व्यास जी की महाभारत से इस कहानी का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात अवश्य सत्य है कि सहदेव बहुत ज्ञानी थे और वो बृहस्पति जी के शिष्य भी थे, किंतु वो भविष्य देखने वाले कोई ज्योतिषी नहीं थे। द्रौपदी का अंधे का पुत्र अंधा कहना। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का अपमान नहीं किया था। अंधे का पुत्र अंधा, इस वाक्य को आप वेद व्यास की महाभारत में कहीं भी नहीं पाएंगे। ये केवल मिथ्या धारणा ही है, परंतु ये वाक्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए थे, वहाँ उन्होंने माया सभा सहित अन्य कई अद्भुत चीजें देखी। वहीं एक जगह भ्रम के जाल में फंसकर वो पानी में गिर गए थे, जिसे देख वहाँ नकुल, सहदेव और भीम जोर जोर से हंसने लगे। महाभारत में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा गया है, परंतु BR चोपड़ा की महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी ये सब देख रही थी और दुर्योधन का मजाक बनाते हुए उसने उसे अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया। परंतु जिसने भी महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन का तिरस्कार कतई नहीं किया था। द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण भी बाकी के ही राजकुमारों की तरह गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गुरु द्रोण से ही ली थी। वहीं आश्रम में एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुँचे और उनसे बोले कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है और मुझे आप ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दीजिए। पर द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा भाप गए थे और उन्होंने मना कर दिया। तब कर्ण परशुराम जी के पास गए थे। कुंडल हरण पर्व में सूर्य देव से कर्ण ने कहा था, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास अस्त्रों का महान बल है। मैंने परशुराम और द्रोणाचार्य जी से अस्त्र विद्या सीखी है। और भी कुछ बातें हैं जिनका असली महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। वो बातें काफी फेमस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वो भी बताएं तो कमेंट में लिख कर बताएं, हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर से लिख दे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में।